आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिएगा वो सरप्राइज देखने के लिए, और वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सरप्राइज को आप दिखा सके, बता सके कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना हमारा देश विकसित हो गया है, खासकर युवा। जी हाँ, युवा कितना आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आप सब हमेशा सोचते होंगे ना कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र कौन से हैं, कौन से लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। तो आज ये सरप्राइज मैं ख़त्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इन तमाम टॉपरों को, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ पढ़ कर आगे बढ़े हैं और फिर भाजपा में ये शामिल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा के लोग जो है कांग्रेस दफ्तर घेरने निकले थे, जिनमें छात्र छात्राओं को भर भर कर बुलाया गया था। ये छात्र छात्रा योगी जी के उत्तर प्रदेश से आए थे, यानी कि नोएडा से। यहाँ पर लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें ये बीजेपी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन अचानक आज तक के एक ईमानदार पत्रकार ने इनको पकड़कर पूछना शुरू कर दिया कि भैया तुम जा कहाँ रहे हो, और जा भी रहे हो तो क्या करने जा रहे हो, और मांग क्या है तुम्हारी। तो आपको पता है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, इनको ये नहीं पता कि ये क्या मांग करने निकले हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। सिर्फ मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लिया है, इसको लेकर ये निकल पड़े हैं कि कांग्रेस कह रही है कि अपने मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र छीन लेगी। जबकि दोस्तों, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपको बार बार कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मोदी जी के जो सिपाही हैं वो निकले थे कांग्रेस दफ्तर घेरने के लिए, और ऐसा बुरा फंसे हैं दोस्तों, ऐसा बुरा फंसे हैं, ऐसा सींचा लेदर हुआ है, इतना नाम और इतनी हंसी आएगी इस वीडियो को देखकर सुनकर। आज तक की वीडियो दोस्तों, पूरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, वीडियो में बड़े मज़े की चीज़ें हैं। ये लोग जो पोस्टर बैनर लेकर आए हैं, जो मांग करने आए हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि वो क्या मांग करने आए हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। बस मोदी जी का नाम सुनकर निकल पड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए, कांग्रेस का दफ्तर घेरने के लिए। आपको दिखाऊंगी कि सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो आया है, ऐसा ख़तरनाक वायरल हुआ है दोस्तों, इतना गर्दा उड़ा रहा है ये वीडियो कि मत ही पूछिए कि इतना ज़्यादा कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र पहुँचे हैं, वो जमकर यहाँ पर उनका मजाक ज़रूर उड़ा रहे हैं। जिस पोस्टर बैनर को लेकर आए हैं, जो नारा लगाना था वो तक ये नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं दोस्तों, आपको पहचानने की ज़रूरत है। और ये भोले भाले छात्र के दिमाग में किस तरीके से क्या कुछ डाल दिया गया है, आपको पता ही है कि कैसे हर दिन नया नया फॉरवर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए आता है, और झूठ का जो एक बड़ा देगचा होता है वो इन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। ऐसे ही लोग होते हैं जो झूठ और परपंचायत में फंस कर रह जाते हैं, इन्हें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ये सोच नहीं पाते हैं कि आखिर ये जो काम करने निकले हैं उनके काम का मतलब क्या है। खैर, लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी भयंकर वायरल हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो छात्र का जो भांडा फूटा है वो आप सब देख सकते हैं। देखिए, ये लोग जो पोस्टर बैनर लेकर आए हैं, इस पोस्टर बैनर में अर्बन नक्सल लिखा था, लेकिन एक छात्र से जब पत्रकार ने पूछा कि इस पोस्टर में क्या लिखा है, तो वो क्या बोल रहे हैं पता है, वो बोलते हैं अर्बन मैक्सवेल। जी हाँ, इसी वीडियो को राफेल गांधी पेज से शेयर करते हुए लिखा गया है, अर्बन मैक्सवेल बग्गा ने इस इवेंट का 25,000 लिया था पार्टी से, लेकिन वो सिर्फ 1500 लगा कर समोसा कोल्ड ड्रिंक में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को उठा लाया है, जहां पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। और जब माइक इनके पास गया तो ये गलत सलत बोलते हुए आगे बढ़ते हुए बोले कि मुझसे मत पूछिए, आगे पूछ लीजिए। और तमाम छात्र अमूमन वहां पर सारे के सारे वो इसी तरीके से भरे पड़े थे, जिनके पास ज्ञान की गंगा ना के बराबर था, कि जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ा जान लिया होता, एक मात्र इनको जानकारी नहीं थी। आगे इसी वीडियो को शेयर करते हुए निगार परवीन लिखती है कि आज कांग्रेस दफ्तर के सामने विकसित भारत के बैनर तले नौजवानों को इकट्ठा किया गया,
सुनिए, पत्रकार आशुतोष ने जब इन युवाओं से सवाल पूछे तो कोई जवाब ही यहाँ पर नहीं दे पाया। इनका मकसद ऐसी बेरोजगारी भीड़ तैयार करना है जो सिर्फ नफरत और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही समझती हो। ऐसे ही लोगों के दिमाग जहन के साथ खिलवाड़ होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से ही लोगों के माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, नफरत, घृणा बांटो, फैलाओ, ताकि वो सच देख ना पाए। और कुछ छात्र ऐसे ही थे जहाँ पर इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ आ गए पोस्टर बैनर उठाने के लिए कि हमें बीजेपी का सपोर्ट करना है। आज तक वाले खुद इसको ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कथित इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर प्रदर्शन, लेकिन ज़्यादातर को ना मुद्दा पता था ना वजह, और कुछ बैनर भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। देखिए कांग्रेस मुख्यालय की ओर से प्रदर्शन करने चले छात्र का अजब गजब जवाब। श्रीनिवास ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए देखिए क्या ट्वीट किया, जो कांग्रेस के नेता हैं, लिखते हैं, मोदी जी कम से कम एक बार इनको बता तो देते कि ये लोग जो है क्यों निकले हैं। निगार परवीन लिखती है, अर्बन मैक्सवेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर इन गधों को विकसित भारत चाहिए, बाकी आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये विकसित भारत का नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात दोस्तों, विकसित भारत नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, विपक्षित भारत, विपक्षित भारत चिल्ला रहे हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए फिर से राहुल गांधी लिखते हैं, वो तो ठीक है लेकिन विपक्षित भारत क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग, किस वजह से चिल्ला रहे हैं। शांत कुमार नाम के यूज़र जो हैं वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि दीज स्टूडेंट रीच कांग्रेस हेडक्वार्टर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, बट दे मीट आशुतोष, जो पत्रकार हैं आज तक के, उनसे मिले और उन्होंने जब इनसे पूछा तो द रेस्ट इज़ यू फॉर यू टू सी, तो इन्होंने कोई जवाब जो है वो नहीं दे पाए। ये छात्र जो हैं हमारे देश के हैं, जिनको विकसित भारत तो चाहिए लेकिन विकसित भारत में क्या कुछ क्वालिटी होगी, क्या कुछ चीज़ें होंगी, वो बातें इनको नहीं पता है कि विकसित भारत कैसे बनेगा, इस बारे में उनको ज्ञान तक नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों तमाम यूज़र्स जो हैं वो जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी के जो सिपाही हैं, मोदी जी के जो परिवार हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि वो क्यों प्रोटेस्ट करने निकले हैं, बस हाथों में बैनर पोस्टर पकड़ा दिया गया है और फिर लगे पड़े हैं ये पोस्टर बैनर में हाय हाय का नारा देते हुए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।